Hello everyone, today in this video, now we are going to study chapter 1st, multiple products of vectors. ठीक है, हम chapter 1st कर रहे हैं vector calculus का, जिसमें हमने अभी तक four vector की product भी हमने last lecture में की थी. अब हम आगे देखते हैं कि reciprocal system of vectors क्या होता है. हमारे पास reciprocal आप लोग जानते ही हो, टेंथ में भी पढ़ा होगा आपने कि reciprocal क्या होता है, कि नाइन है जैसे आपके पास, तो नाइन का reciprocal क्या होगा. नाइन को ऐसे किसी नंबर से मल्टीप्लाई करें कि हमारे पास वन आए, तो नाइन को किस से मल्टीप्लाई करेंगे, जो वन आएगा वन बाई नाइन से, तो वन बाई नाइन से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा वन, तो वन बाई नाइन क्या हो जाएगा नाइन का रेसिप्रोकल. ठीक है, तो आगे देखो, इफ़ ए बी सी हमारे पास तीन नॉन कोप्लेनर वेक्टर है, तो नॉन कोप्लेनर है तो इसका मतलब है कि ए बी सी इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो. देन दी थ्री वेक्टर्स ए डैश बी डैश सी डैश डिफाइन एज, इन्होंने हमें गिवन है कि ए डैश जो होता है वो बी क्रॉस सी वेक्टर अपॉन ए बी सी के इक्वल होता है. ठीक है, यहाँ देखो हम ये इन्हें रिप्रेजेंट किया हुआ है इन्होंने. ठीक है, तो यहाँ हमारा हम कैसे देखेंगे इस चीज़ को, कि देखो अगर बी क्रॉस सी ऊपर आता है तो मतलब ए डैश निकालते हैं, अगर सी क्रॉस ए आता है तो बी डैश निकाल रहे हैं, अगर सी डैश निकालते हैं तो ए क्रॉस बी आ जाएगा अपॉन में ए बी सी वैक्टर. ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया रेसिप्रोकल ऑफ वैक्टर्स ए बी सी का. ठीक है, आगे देखो इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ है आपके पास, वो करते हैं. प्रॉपर्टी नंबर वन, ए वेक्टर इंटू ए डैश इज इक्वल टू बी इंटू बी डैश इज इक्वल टू सी इंटू सी डैश इक्वल है वन के. हमें प्रूव करना है कि ये चीज़ हमारी इक्वल है वन के, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ए इंटू ए डैश, ए डैश का हमें पता है कि ए डैश की वैल्यू क्या होती है, ए वेक्टर इंटू ए डैश की वैल्यू क्या डाल दोगे, बी क्रॉस सी अपॉन ए बी सी इज इक्वल टू क्या बन जाएगी, ए बी सी अपॉन ए बी सी कैंसिल हो जाएगी, इक्वल टू वन आ जाएगी. उसके बाद देखो बी डैश बी डैश बी को बी की वैल्यू डाल दो क्या आएगी, सी क्रॉस ए अपॉन ए बी सी, बी सी ए बन जाएगी, क्या लिख सकते हो इसको, ए बी सी कैंसिल हो जाएगी, ए बी सी से ए बी सी वन आ जाएगी, सेम है सी की कर दोगे, प्रूव हो जाएगा. हमें यही प्रूव करना था कि ए डॉट बी ए डैश बी डॉट बी डैश एंड सी डॉट सी डैश इक्वल है वन के, तो वो हमने प्रूव कर दिया. सेकंड प्रॉपर्टी देखो, ए डॉट बी डैश ए डॉट सी डैश बी डॉट ए डैश बी डॉट सी डैश सी डॉट ए डैश एंड सी डॉट बी डैश इक्वल है ज़ीरो के, प्रूव कर दो. ए डॉट बी डैश इक्वल में बी डैश की वैल्यू डाल दो, सी क्रॉस ए अपॉन ए बी सी क्या करोगे, ए सी ए दो वेक्टर इकट्ठे हैं तो क्या हो जाएगा, जीरो बन जाएगा. इसको क्या लिखेंगे अब, ए सी ए तो ज़ीरो, तो क्या आ जाएगा इक्वल टू ज़ीरो के, ए डॉट बी डैश इक्वल टू ज़ीरो के आ गया, सेम है सी का कर दोगे, सी का करोगे तो क्या लिखोगे इधर, बी क्रॉस ए अपॉन ए बी सी. जब बी क्रॉस ए रखोगे यहाँ पे तो मल्टीप्लाई में ए आएगा, तो ए और ए दो वेक्टर हो जाएंगे तो ज़ीरो बन जाएगी प्रोडक्ट, तो ए डॉट सी डैश भी जीरो आ जाएगा, सेम एज आगे आप निकालते जाना सब जीरो के इक्वल आ जाएंगे. तो यहाँ से हमारा प्रूव हो जाएगा कि ए डॉट बी डैश इक्वल टू ए डॉट सी डैश अप टू दिस फॉर्म इज इक्वल टू ज़ीरो, हैंस प्रूव्ड. उसके बाद एग्जाम प्रॉपर्टी थर्ड देखो, टू शो डैट ए डैश डॉट बी डैश क्रॉस सी डैश इक्वल है वन अपॉन ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर के. ठीक है, ए वेक्टर डैश को क्या लिख सकते हो, दिस, बी वेक्टर डैश को दिस एंड सी वेक्टर डैश को दिस लिख सकते हो. अब देखो फर्स्ट हम क्या करेंगे, बी क्रॉस सी करेंगे, बी क्रॉस सी करो क्या है, दिस क्रॉस दिस ये कर दिया, एलसीएम ले लिया, क्या आ जाएगा ये बन जाएगा, इसको हम क्या लेके चलते हैं, सी क्रॉस ए को डी मान लिया हमने, क्या बन जाएगा डी क्रॉस दिस अपॉन दिस, डी क्या है हमारे पास सी क्रॉस ए, क्रॉस प्रोडक्ट कर दोगे, डी डॉट बी ए बार डी डॉट ए बी बार कर दिया अपॉन में ए बी सी का स्क्वायर. यहाँ हम क्या बोल सकते हैं, डी बी ए डी की वैल्यू क्या है, सी क्रॉस ए डाल दो, सी क्रॉस ए यहाँ भी सी क्रॉस ए, क्या बन जाएगा
ए बी सी लिख सकते हो इनटू ए बार, यहाँ ए डबल है तो ज़ीरो बन जाएगी ये वाली फॉर्म, क्या आ जाएगा सी ए बी इंटू ए बार अपॉन में ए बी सी का स्क्वायर इक्वल टू, क्या बोल सकते हो ए बी सी लिख सकते हो इस वाली टर्म को आप, तो ए बी सी से नीचे ए बी सी कैंसिल हो जाएगा, एक क्या बच जाएगा ए वेक्टर अपॉन ए बी सी वेक्टर, ठीक है। अब क्या करोगे, ये हमारे पास क्या आ गया बी डैश क्रॉस सी डैश, अब इसको क्या करेंगे ए डैश से मल्टीप्लाई कर देंगे, ए डैश क्या है हमारे पास बी क्रॉस सी अपॉन ए बी सी वेक्टर डॉट ए अपॉन ए बी सी कर दो, क्या बोल सकते हो नीचे वाले का स्क्वायर ऊपर क्या आ जाएगा बी सी ए, इसको क्या लिख सकते हो ए बी सी, ए बी सी से ए बी सी एक कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा वन अपॉन ए बी सी, इसको आप क्या लिख सकते हो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है ए डॉट बी क्रॉस सी, वन अपॉन ए डॉट बी क्रॉस सी, यही हमें प्रूव करना था कि दिस इज़ इक्वल टू दिस के, हैंस प्रूव्ड। अब प्रॉपर्टी फोर्थ देखते हैं, यह हमारे पास क्या है द ऑर्थोनॉर्मल वेक्टर्स ट्रेड आई जे के इज सेल्फ रेसिप्रोकल, हमारे पास आई जे के दिए हुए हैं उनको हम क्या बोल सकते हैं आई डैश जे डैश के डैश बी रेसिप्रोकल ऑफ वैक्टर आई जे के का, तो आई डैश क्या आएगा जे क्रॉस के अपॉन आई जे के, इसको हम क्या बोल सकते हैं आई जे के को वन, और जे क्रॉस के किसके इक्वल होता है आई के, तो आई अपॉन वन इज इक्वल टू क्या आएगा आई, तो हम क्या बोल सकते हैं कि आई डैश इक्वल होता है आई के, जे डैश इक्वल होता है जे के, और के डैश इक्वल होता है के, ठीक है। दी हैंस ऑर्थोगोनल वेक्टर ट्राइड आई जे के इज सेल्फ रेसिप्रोकल, हैंस प्रूव्ड। अब आगे देखो एग्जांपल फर्स्ट देखते हैं, हमें क्या कहना है फर्स्ट में इफ़ आर इज़ एनी वेक्टर, आर कोई वेक्टर है हमारे पास जो कि किस फॉर्म में है आर वेक्टर डॉट ए डैश इंटू ए वेक्टर प्लस आर डॉट बी डैश इंटू बी वेक्टर प्लस आर डॉट सी डैश इंटू सी वेक्टर, हमारे पास ये क्या स्केलर है स्केलर फॉर्म में है आर डॉट ए डैश आर डॉट बी डैश एंड आर डॉट सी डैश, तो इसमें हम क्या करेंगे आर को कोई ऐसा स्केलर लेंगे जो हमारे पास मल्टीपल जो वेक्टर आए वो ए बी सी में रिप्रेजेंट करेंगे हम उसको आर को, ठीक है। तो आर के साथ हमने स्केलर क्या ले लिया एक्स वाई जेड और वेक्टर्स क्या हो गए ए बी सी ले लिए मल्टीपल में, तो अब हम क्या करेंगे एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, और एक्स की वैल्यू हमें क्या प्रूव करनी है कि अगर एक्स की वैल्यू हमारी ये आती है आर डॉट ए डैश वाई की वैल्यू आर डॉट बी डैश और जेड की वैल्यू आर डॉट सी डैश, तो हमें हमारा क्या प्रूव हो जाएगा कि आर वेक्टर इज इक्वल टू दिस के इक्वल होगा, ठीक है। तो यहाँ हमने एक्स वाई जेड की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब देखो यहाँ मल्टीप्लाइंग बोथ साइड ऑफ वन स्केलर बाय बी क्रॉस सी, हम क्या करेंगे बी क्रॉस सी को मल्टीप्लाई कर देंगे बोथ साइड, ठीक है। यहाँ हमने डॉट प्रोडक्ट क्यों नहीं ली, क्योंकि हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, और x की वैल्यू ईजिली फाइंड आउट करने के लिए हमने क्या किया है b वेक्टर क्रॉस c वेक्टर को बोथ साइड मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। r वेक्टर डॉट b वेक्टर क्रॉस c वेक्टर इज इक्वल टू x इंटू a वेक्टर इन डॉट b क्रॉस c, यहाँ प्लस y b डॉट b क्रॉस c प्लस z इंटू c वेक्टर डॉट b क्रॉस c, यह क्या बन जाएगी ये फॉर्म जीरो, क्योंकि सी डबल है इधर बी है रिपीट में, तो ये भी फॉर्म जीरो बन जाएगी। इसको हम क्या लिख सकते हैं एक्स इंटू ए बी सी बोल सकते हैं स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, एक्स की वैल्यू निकालनी है क्या करोगे ए बी सी को नीचे ले जाओगे, क्या आ जाएगी एक्स इज इक्वल टू आर वैक्टर बी सी वैक्टर अपॉन ए बी सी वैक्टर बोल सकते हो। अब देखो इसको आप क्या बोल सकते हो आर वैक्टर अलग हो गया बी इंटू सी अपॉन ए बी सी, क्या बोल सकते हो इसको आप, यहाँ ऊपर बी और सी है ए नहीं है, तो हम इसको ए डैश बोल सकते हैं। तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई एक्स इज इक्वल टू आर वेक्टर डॉट ए डैश, ये देखो क्या आ गया अब आर वेक्टर डॉट ए डैश, हमें यही प्रूव करना था। यहाँ से एक्स की वैल्यू निकाल ली सेम एज वाई की निकाल लेंगे और फिर जेड की निकाल लेंगे और हमारा प्रूव हो जाएगा हैंस प्रूव्ड। अब एग्जाम्पल सेकेंड देखो अगर a इज इक्वल टू दिस है b इज इक्वल टू दिस एंड z c इज इक्वल टू दिस फॉर्म के इक्वल है, तो फाइंड द रेसिप्रोकल ट्रेड्स a डैश b डैश c डैश एंड वेरीफाई डैट a b c वेक्टर इंटू a डैश b डैश c वेक्टर इज इक्वल टू वन के है। यहाँ से देखो a b c स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट निकालोगे आप a b c की, क्या आएगी आपके पास
18 के इक्वल फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम छोड़ के इनकी मल्टीप्लिकेशन, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम छोड़ के इनकी, फिर फर्स्ट रो थर्ड कॉलम छोड़ के इनकी मल्टीप्लिकेशन करके ए बी सी निकाल लोगे, यहाँ से क्या आ जाएगा 18। उसके बाद देखो ए डैश निकालोगे, ए डैश आपको पता है कैसे निकलता है, बी क्रॉस सी अपॉन ए बी सी। ए बी सी आपने निकाल लिया, बी क्रॉस सी निकालोगे, आई जे के बी सी की वैल्यू रख दोगे, बी की ये और सी की ये, इनकी यहाँ से निकाल लो वैल्यू, निकाल दोगे फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम से आपके पास ए डैश की वैल्यू आ जाएगी। अब क्या करना है हमें, यहाँ से ए डैश की वैल्यू निकाल लो, फिर बी डैश की निकाल लो और फिर सी डैश की निकाल लो। क्या कर दो, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ए डैश बी डैश सी डैश क्या आ जाएगी, 1/18 क्यूब। देखो यहाँ से 1/18 क्यूब, अब देखो 2, 1, 5, पहले फर्स्ट का निकालोगे, फर्स्ट वाली टर्म रखोगे 2, 1, 5, फिर सेकंड कंपोनेंट रखोगे 8, 5, 7, फिर थर्ड के रखोगे 2, 8, 4। रख दिए, अब क्या करोगे, निकाल दो डिटरमिनेंट, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम छोड़ दो, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम छोड़ दो, क्या आ जाएगा ए डैश बी डैश सी डैश की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/18। तो यहाँ से हम क्या प्रूव करेंगे कि ए बी सी वैक्टर स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट इंटू ए डैश बी डैश सी डैश की स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट इक्वल है 1 के। हो गया प्रूव यहाँ से। एग्जाम्पल थर्ड देखो, इफ़ ए डैश बी डैश सी डैश डिनोट द रेसिप्रोकल ट्राइड ऑफ वैक्टर, प्रूव डैट ए क्रॉस ए डैश प्लस बी क्रॉस बी डैश प्लस सी क्रॉस सी डैश इज इक्वल टू 0 के। पीछे आपको प्रॉपर्टी में प्रूव करवाया था ये क्वेश्चन, देख लेना। ए क्रॉस ए डैश निकालना है तो ए डैश को हम क्या बोल सकते हैं, बी क्रॉस सी अपॉन ए बी सी, क्या बन जाएगा ए बी सी अपॉन ए बी सी कैंसिल कर दो, क्या आ जाएगा 1 के इक्वल, ए बी सी अपॉन ए बी सी। ठीक है, यहाँ से सॉरी ए बी सी अपॉन ए बी सी, उसको क्या कर सकते हो आप, एक ही प्रोडक्ट करोगे, क्या आ जाएगी ए बी ए सी इंटू बी बार एंड ए बी इंटू सी बार, क्या आ जाएगा ए सी बी माइनस ए बी सी 0। सेम एज बी डैश निकाल दोगे, फिर यहाँ से सी डैश, तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा प्रूव, ए वेक्टर क्रॉस ए डैश प्लस बी वेक्टर क्रॉस बी डैश प्लस सी वेक्टर क्रॉस सी डैश इक्वल टू 0 के। हैंस प्रूफ्ड। ये आपके 4 एग्जाम्पल, 3 एग्जाम्पल हैं, उसके बाद आपकी एक्सरसाइज है 1.4। ये कुछ क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन है आपकी एक्सरसाइज के, इनको कर लेना, अगर कोई डाउट हो तो टेल मी। ओके, यहाँ से अब आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाता है, नेक्स्ट लेक्चर में यार हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ओके, थैंक यू।